मॉर्निंग चिल्ड्रेन। गुड मॉर्निंग। चलो आज हम सीखने वाले हैं थर्ड स्टैंडर्ड के जनरल नॉलेज के बुक में का नाइन्थ चैप्टर, जिसका नाम है टेस्ट एंड टेल। ऑलराइट? यस। देखो इसमें क्या लिखा है नीचे, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर क्लूज। अब यहाँ पे हमको किसी भी चीज़ का नाम दिया हुआ है, ठीक है, पूरा नाम नहीं दिया, हाफ ऑफ द नाम या थोड़ा भी हम लोग को हिंट दिया हुआ है, और राइट साइड में हमें फोटो बना के दिया है, राइट? उसमें से हम लोग को देखना है और करेक्ट आंसर हम लोग लिखना है, राइट? उस क्लू के हेल्प से अपने को। ऑल राइट? फॉर एग्जाम्पल पहले क्या लिखा हुआ है देखो, एन डैश डैश डी डैश ई डैश, करेक्ट? और राइट साइड में क्या लिखा हुआ देखो, ये हमको क्या लग रहा है, नूडल्स जैसा कुछ लग रहा है, करेक्ट? तो क्या नूडल्स हो सकता है? ओके, तो ऐसे हमको लिखना है, तो यहाँ पे लिखो एन ओ ओ ओ डी एल ई एस, करेक्ट? नूडल्स, राइट? और नूडल नहीं बोलते क्योंकि उसमें बहुत सारे नूडल होते हैं ना, इसके नूडल्स होगा, करेक्ट? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को दे दूं, हैव यू हर्ड, क्या आपने सुना है, सुनामी इज अनदर नेम फॉर अ टाइडल वेव। ऑलराइट? जो समुंदर में वेव आते हैं ना, बहुत ही डेंजर वेव, उसको टाइडल वेव ही बोलते हैं, और दूसरे नाम से उसको सुनामी बोलते हैं, करेक्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है अभी देखो, यहाँ पे डैश आई डैश सी डैश डैश टी डैश, करेक्ट? और राइट साइड में प्लेट में क्या रखा हुआ है, बिस्कुट, ये तुम लोग का फेवरेट बिस्किट रखा हुआ है, करेक्ट? कौन सा, गुड्डे लग रहा है मुझे, करेक्ट? गुड्डे हो या पार्ले जी, बट बिस्किट लग रहा है, करेक्ट? तो यहाँ पे लिखेंगे बिस्किट, आ सकता है क्या, बी आई एस सी यू आई टी एस, बिस्किट्स, करेक्ट? एक नहीं है, ज्यादा है, करेक्ट? आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या दिया हुआ है, डैश आई जी डैश ए, करेक्ट? ये सबका फेवरेट है, लोगों को खाना खाना नहीं है, बच्चों को खाना खाना नहीं है, लेकिन ये जरूर खाना है, ठीक है? अगर आप बच्चों लोग को पूछोगे तो बच्चे तुमको क्या खाना है खाना छोड़ के, तो पहले क्या बोलेंगे, पिज्जा, बराबर? तो ये बिना देखे भी हम लोग बोल सकते हैं, राइट? बट क्या वो स्पेस में आ रहा है वो देखते हैं, पी आई जी जी ए, राइट? ओके, फोर्थ वन क्या दिया हुआ है देखो, डैश ओ डैश एफ डैश डैश, ठीक है? अब राइट साइड में क्या दिया है, कप एंड सॉसर दिया है, बट कप के अंदर ब्लैक कलर का एक चीज है, राइट? चाय हमेशा कौन से कलर का होता है, ब्राउन, ब्राउन कलर का होता है, राइट? अब क्योंकि उसमें दूध मिक्स रहता है तो या तो थोड़ा सा रेडिश टाइप में होता है या तो फिर थोड़ा सा ये टाइप में होगा, ब्राउन टाइप में, राइट? डिपेंड कितना उसमें इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं, कितने मात्रा में, ऑलराइट? बट दिस लुक्स लाइक ए कॉफी, और स्पेस भी वही हम लोग को हिंट दे रहा है, राइट? सी ओ एफ एफ डबल ई कॉफी, वेरी गुड, ठीक है? बच्चे लोग तुम लोग ये बिल्कुल प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम में सब आने वाला रहता है, राइट? और ये प्रैक्टिस करके जाओ तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। एट द सेम टाइम अगर आपको वीडियो लाइक हो रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करते जाइए और बिल्कुल शेयर करते जाइए, ठीक है? और नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ में क्या लिखा है देखो, डैश ए डैश डैश डी, अब ये मुझे थोड़ा सा समझ में आ नहीं रहा है, अब हम थोड़ा समझते हैं इसको। अब देखो वहाँ पे क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा कुछ प्लेट में बीट रूट जैसा लग रहा है, राइट? और ब्रोकली भी लग रहा है, करेक्ट? तो कैन इट बी ए सलाड विच इज अ हेल्थी थिंग, लिखते हैं देखो, एस ए एल ए डी सलाड, वाह देखा कितना टैलेंटेड है हम लोग, करेक्ट? आगे चलते हैं, ये चैप्टर तो आपके लिए बहुत ही इजी होना चाहिए क्योंकि ये सब यहाँ पे सब खाने वाली चीज़ें हैं, करेक्ट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिक्स क्वेश्चन क्या है, डैश यू डैश डैश ई यू, अब ये तो बहुत सिंपल है यार, ये तो मैं आँख बंद कर ही बोल सकता हूँ। अभी राइट साइड में क्या दिखाया है,
अगर बच्चों को पिज्ज़ा पसंद आ रहा है, अगर पिज्ज़ा हम बोलेंगे पिज्ज़ा नहीं खाना, तो लोग क्या बोलेंगे? बर्गर। बर्गर, तो पिज्ज़ा बर्गर तो कॉमन है। चलो बी यू आर जी ई आर बर्गर। वाह यार, बहुत सिंपल है। चलो आगे, बर्गर के साथ में क्या करते हैं हम लोग हमेशा, सेवन्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? जे डैश आई डैश ई, और राइट साइड में ग्लास में हम लोग का एक काइंड ऑफ जूस रखा हुआ है, करेक्ट? यस। तो पिज्ज़ा बर्गर के साथ जूस ही पीते हैं ना तुम लोग? जूस तो नहीं पीते, कोक और पेप्सी तो पीते ही है, करेक्ट? यस। सो दिस कैन बी ए जूस, जे यू आई सी ई, राइट? यस। चलो सेवन्थ हो गया, एट क्या बोलता है? डैश आई डैश के। अब बच्चों को ये बहुत ही अच्छा पसंद होता है जिसमें हम लोग बॉर्नविटा डाल के पीते हैं, करेक्ट? यस। तो क्या होगा? मिल्क। करेक्ट, एम आई एल के, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन क्या है? अब सब खाने वाली चीज़ है, सब नाश्ते वाला चीज़ है, नाश्ते वाला दिन भर में खाने वाला सब चीज़ है, करेक्ट? यस। अब नाइन्थ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, प्लेट में क्या रखा हुआ है? ब्रेड। ब्रेड रखा हुआ है, इससे हमको अंदाजा मिल जाएगा कि ये ब्रेड ही हो सकता है, राइट? यस। बी आर ई ए डी, ब्रेड, करेक्ट? यस। चलो टेंथ वाला क्या बोलता है? अब सब खाना वाना हो गया, शाम के टाइम खाना खाने के बाद क्या करते हैं हम लोग, क्या खाते हैं? आइसक्रीम। आइसक्रीम जो कि बहुत पसंद है बच्चों लोग को, राइट? यस। अब आई सी ई सी आर ई ए एम, आइसक्रीम, वाओ, कौन आइसक्रीम, ठीक है? यस। उसके बाद आगे चलते हैं, इलेवेंथ क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, डैश यू डैश डैश ई डैश, प्लेट में क्या रखा हुआ है? तो ये थोड़ा सा मुझे, तुमने कभी पाव भाजी खाया है? Yes. खाया होगा, राइट? Yes. पाव भाजी के साथ में हमेशा बच्चों को क्या पसंद आता है? बटर। बटर, तो फिर बटर है लग रहा है मुझे, ठीक है? चलो Yes. लिखो, बी यू टी टी ई आर, बटर, करेक्ट? Yes. लास्ट क्या है? डैश ओ डैश पी, ओ माई गॉड, ये तो बहुत ही फेवरेट है बच्चों का, ठीक है? थोड़ा तीखा लगता है लेकिन सर्दी के टाइम पे बहुत ही मजा आता है पीने के लिए। क्या है ये? सूप। एस ओ यू पी, फैंटास्टिक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था बच्चे लोग, ये बिल्कुल पढ़ना आप लोग, ऑल राइट? यस। तो इससे अच्छा मुझे कोई वीडियो मज़ा नहीं आया, क्योंकि खाने पानी खाने वाने की चीज़ है ना। Yes. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को, ठीक है? Yes. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑन द अदर साइड। बाय बाय। बाय बाय।